अलजेब्रा का देखते हैं इसको। द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर बी प्लस सी ब्रैकेट पावर बी माइनस सी और एक्स की पावर सी प्लस ए ब्रैकेट सी माइनस ए पावर में है और एक्स की पावर ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि ए की पावर अगर बी है और बी की पावर अगर सी है तो मैं इसको लिख सकता हूं ए की पावर बी सी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर ए की पावर बी है एंड इनटू ए की पावर सी है, देखिए बेस सेम है, अगर बीच में उनके मल्टीप्लाई का साइन है तो उनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, सम हो जाती है। तो आप कह सकते हो बी प्लस सी पावर क्या होंगी, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए, ये ब्रैकेट है तो बी प्लस सी बी माइनस सी, तो मैं जानता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो वही चीज लिखी हुई है, देखिए ये ए है ये बी है, सो ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्योंकि पावर है मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिख सकता हूँ बी की पावर टू, ये है ना। और सेम इसके केस में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, सेम इसके केस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, उनके बीच में मल्टीप्लाई है तो ये सारी पावर ऐड हो जाएंगी। सो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल आउट होएगा, माइनस का सी स्क्वायर देखिए प्लस के सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सारे कुछ कैंसिल हो गए तो ऊपर क्या रह गया, खाली जीरो। और एक्स की पावर जीरो मतलब किसी भी नंबर की, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है तो उसका केस वन ही होता है, एनी नंबर है ना, कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर जीरो हो तो वो वन ही कहलाता है। कितना कहलाता है, वन। सो वन इज द फर्स्ट ऑप्शन।